आईपीएल के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अपने होम ग्राउंड में दिल्ली कैपिटल को 4 विकेट से हराया। पंजाब की तरफ से कप्तान शिखर धवन ने 22 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 26 रन की खेली पारी तो वहीं सेम करण 63 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लियाम लिविंगस्टन ने छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। आईपीएल में पंजाब के खिलाफ ऋषभ पंत की वापसी ज्यादा लंबी नहीं रही। पंत पहले ही मैच में 18 रन बनाकर आउट हुए। हर्षल पटेल ने किया आउट। पंजाब मैदान में एंट्री कर रहे थे तो क्रिकेट फैंस ने किया सपोर्ट। 15 महीने बाद हुई पंत के मैदान पर वापसी। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में पृथ्वी शॉ को किया ड्रॉप। इस मैच में पृथ्वी शॉ की जगह साई होप को मौका दिया गया। साई होप ने 25 गेंद में 33 रन खेली पारी। पृथ्वी के बाहर होने से भड़के फैंस, क्रिकेट फैंस ने ऋषभ पंत की कप्तानी पर खड़े किए सवाल। पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली के ओपनर्स का नहीं दिखा दम। डेविड वार्नर ने 21 गेंद पर खेली 29 रन की पारी तो वहीं 12 गेंद में मिचेल मार्श 20 रन पर आउट हुए। डेविड वार्नर का विकेट हर्षल पटेल ने किया हासिल। अर्शदीप सिंह ने लिया मिचेल मार्श का विकेट। 24 मार्च को आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा। दोपहर को 3:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगे। आईपीएल में राजस्थान और लखनऊ के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान आरआर का एलएसजी के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। 3 मैचों में राजस्थान रॉयल्स ने 2 मैच जीते हैं जबकि एलएसजी का 1 मैच जीत की नसीब हुई है। सुपर संडे को दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों टीमें इस मुकाबले की शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 4 मैच हुए हैं। दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। दोनों बार जीटी के मुकाबले में जीता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले गुजरात टाइटंस के नए कप्तान शुभमन गिल ने किया फैंस से वादा, जीत का मोमेंट रखेंगे जारी। गिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि टूर्नामेंट में गुजरात का प्रदर्शन शानदार रहेगा और साथ ही मुझे अपने ग्रुप पर पूरा भरोसा है। जीटी के फैंस का भरोसा हमारे साथ है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए सभी क्रिकेट फैंस से एक खास अपील की है। पीटरसन ने फैंस से अपील करते हुए कहा कि दुनिया के सभी क्रिकेट फैंस एक बार भारत आकर स्टेडियम से आईपीएल के माहौल का आनंद लें। पीटरसन ने आईपीएल को बेस्ट लीग करा दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि शाकिब हसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच के लिए मौजूद रहेंगे। शाकिब ने बोर्ड को बताया कि वो दूसरे टेस्ट के लिए मौजूद रहेंगे। शाकिब लंबे समय से उंगली की चोट और से परेशान थे। शाकिब ने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। इमाम वसीम ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इमाद ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मन बनाया। इमाद के नाम 66 T20 मैचों में 55 विकेट दर्ज है। इमाद को वनडे वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था जिसकी वजह से इस गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास ले लिया था। इमाम ने PCB से बात करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का फैसला किया है।